हेलो मेरे प्यारे प्यारे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं के चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो आज मैं लाई हूँ एक आंटी की कहानी जिनके संग बहुत ख़राब हुआ है। आपने तो थंबनेल से समझ ही लिया होगा किसके बारे में बात करूँगी। ये एक आंटी जो हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी जगह की रहने वाली है, मतलब हम मदर्स बनते हैं, हम माँ बनते हैं। कुछ माएँ लोग ऐसी भी होती हैं जो बच्चों को पालती पोसती हैं, उसके बाद फिर किसी भी कारण से उन नहीं रहती इस दुनिया में, मर जाती हैं। तो पापा क्या करते हैं, नई मम्मी लाते हैं जिनको हम हिंदी में सौतेली माँ और इंग्लिश में स्टेप मॉम बोलते हैं। तो ये स्टेप मॉम या सौतेली माँ माएँ होती हैं, पर कभी अच्छी होती हैं, कभी ख़राब होती हैं, और कभी कभी जिन बच्चों को वो पालती पोसती है वो भी कभी अच्छे होते हैं, कभी ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे तो भाई सौतेली माँ बहुत अच्छी निकली, मगर उनके बच्चे जो थे, बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। अब जब जाके उनके हस्बैंड गुजर गए, तब उनके बच्चों ने उनके साथ क्या किया, उनके मतलब मुंह में मिर्च डालना, आंखों में काली लाल मिर्च डालना, मुंह के अंदर कपड़ा डालना, थर्ड डिग्री टॉर्चर जो एक इंसान के साथ होता है, वो थर्ड डिग्री टॉर्चर कमरे को बंद करके किया गया है। ये क्या सही किया गया? मैं आप लोगों के सामने ये बात इसलिए ला रही हूँ क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं ना जो मतलब अपने समझ के भी पढ़े हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा इंसान करते क्यों है दूसरे इंसान के साथ, तो उस इंसान के साथ जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं। आज हम भी माँ बने हैं, हमारे भी बच्चे हैं, कल को अगर हमें कुछ हो जाता है और दूसरी नई मम्मी आती है तो वो मम्मी और वो बच्चे क्या करेंगे। यहाँ रिलेशन जो होता है दोनों हाथ से निभाया जाता है, एक हाथ से रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे समस्या बच्चों को माँ से ऐसी क्या हो गई जो बच्चे ऐसा करने लगे, ऐसे माँ को इस उम्र में आके माँ के संग ऐसा करने लगे, ये तो बहुत गलत बात होती है। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि कभी भी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो माएँ होती हैं वो माँ सौतेली हो या अपनी हो, अगर बच्चों के संग कभी कोई दो चार बातें ऐसी कर भी देती हैं जो बच्चों के लिए अच्छा होता है, अच्छे के लिए। कभी कभी हम अपने बच्चों को डांटते हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं, ताकि उनके संग कोई ख़राब ना हो, वो अच्छे ट्रैक में चले। तो इसीलिए हम शासन करते हैं, इसको शासन कहते हैं, एक डिसिप्लिन में बच्चे को रखना, ये चीज़ कहते हैं। ये खुद की माँ भी होती तो करती और एक सौतेली माँ भी होती तो करती। अब यहाँ पे सौतेलापन अगर बच्चे करने लगे तो फिर कुछ बोलने के लिए है नहीं। जब आपके पापा ज़िंदा थे तब आप बहुत अच्छे से ट्रीट किए माँ को, और जब आपके पापा गुजर गए तो आप माँ के संग ऐसा काम कर रहे हो, अरे उसकी भी ज़िंदगी 4 दिन की है, अच्छे से रखो, अच्छे से पेश आओ, उसे अच्छे से, उसको मतलब जैसे वो आपको पाल पोस के बड़ा किया वैसे आप भी उसको अच्छे से जो भी उनको चाहिए उनको दो, उनको घुमाओ फिराओ, उनको खुश रखो, ताकि उनको ये फील ना हो कि उनके हस्बैंड नहीं रहे, उनके हस्बैंड चले गए हैं और वो अब अपने बच्चों के संग अकेली रह गई है। तो यहाँ पे तो उल्टा ही सब कुछ हो रहा है फ्रेंड्स। बेटा बेटी, बेटी का हस्बैंड, बेटा की बहू, सब मिल के इनको टॉर्चर करना चालू किए और फिर ये वहाँ से निकल ही नहीं पा रही है। इनको कुछ भी चीज़ टॉर्चरिंग करने के हिसाब से इनको कोई भी चीज़ हामी भरना पड़ा तो ये हामी भर रही हैं, सिग्नेचर करवाया जाए तो सिग्नेचर कर रही हैं। और यहाँ पे जब उन आंटी की बहन को पता चला कि फ़ोन में बात नहीं कर पा रही है, कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, क्या हुआ है, तब पुलिस को यहाँ पे FIR किया गया। पुलिस घर में गया, पुलिस ने उस आंटी को रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके उन्हें एडमिट किया हॉस्पिटल में। यहाँ से चोट, मतलब उनका जो मैं हाल देखी ना पिक्चर्स में, मतलब हाल बहुत ही संगीन हाल था। और वो मतलब उनका जो मैं इंटरव्यू देख रही थी, रोते रोते उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनका मतलब इंटरव्यू भी बहुत दर्दनाक इंटरव्यू था। ऐसा कोई भी बच्चे अपने माँ बाप के संग ना करे तो अच्छा रहेगा। आज का वीडियो मेरा बनाने का ये मकसद है कि मैं हर एक जन से, जो जो मेरा वीडियो देखेगा, ये वीडियो जहाँ तक भी जाएगा, मैं हर एक उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी आपके मम्मी पापा यंग हैं, अभी आप उनको इतना प्यार दे रहे हो, वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं, आपको इतना लाड दुलार देते हैं आपके मम्मी पापा। कल को जब आपके मम्मी पापा की एज हो जाएगी, जब उनको आपका सहारा चाहिए, तब आप वो काम मत करना, आप भी उनका सहारा बनना, ना कि उनके लिए थर्ड डिग्री टॉर्चर का कारण बनना। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ उन बच्चों को
मतलब उन सभी बच्चों को, सिर्फ अच्छे हो या खराब हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अच्छे हो या खराब हो बाद में जाके पता चलता है। आज के मेरे ही दो बेटा बेटी जो हैं वो बाद में जाके क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता। मैं उनसे भी मैं बोल चुकी हूँ, मैं हर एक बच्चे से बोलना चाहती हूँ और हर एक माँ बाप से बोलना चाहती हूँ, जैसे आप लोग अपने बच्चों को रखते हैं तो भगवान करे वो बच्चे भी कल को जाके आपको अच्छे से रखे, आपको देखे, आपसे जो उनको संस्कार मिला है उस संस्कार के हिसाब से वो आपके साथ अच्छा पेश है। बस इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज अपना वीडियो मैं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से वीडियो लेकर। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस गर्मी में अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।